किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ से किसानों को होने वाले फायदों की कई कहानियां हमने आपको दिखाई हैं, लेकिन आज हम आपको जो दिखा रहे हैं वो केवल फायदे की कहानी नहीं है, ये कहानी है छोटे और कमजोर माने जाने वाले सीमांत किसानों के बिजनेसमैन बनने की, एक्सपोर्टर बनने की। ये कहानी है एक ऐसी कंपनी की जो नासिक के करीब 1000 छोटे अंगूर उत्पादक चलाते हैं और जिसने पिछले साल करीब 8.5 हज़ार टन अंगूर का निर्यात कर देश की सबसे बड़ी अंगूर निर्यातक कंपनी बनने का खिताब हासिल किया। ये कहानी करीब एक दशक पहले शुरू हुई थी, जब एग्री इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल करने वाले एक युवक को किसी कारोबारी ने अपने एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट की पैकिंग करने को कहा। अंगूरों के इस एक कंसाइनमेंट की पैकिंग पर उस युवक को जो आमदनी हुई, उससे उत्साहित होकर उसने खुद का अंगूर निर्यात करना चाहा। लेकिन तब उसे पता चला कि महज 2 एकड़ के अपने खेत से पैदा होने वाले अंगूरों का वो निर्यात नहीं कर सकता। विलास शिंदे नाम के इस युवक ने अपने साथ 10 और अंगूर उत्पादक किसान जोड़े और फिर जन्म हुआ एक प्रॉपर्टी फर्म VVS का, जिसमें हमने जो शुरुआत 10 साल पहले की थी 10 फार्मर से, उसमें मेजर ग्रेप का हमने पहले फर्स्ट फेज में हमने काम करना चालू किया था, जिसमें अभी 1000 से ज़्यादा भी किसान हमारे ग्रेप में काम कर रहे हैं। और ग्रेप में जो कंसेप्ट है एंड टू एंड सोल्यूशन, जो फार्म से लेके मार्केट तक की टोटल किसान की जो भी दिक्कत है उसके हमने काम किया। और जैसे ग्रेप में एक अभी सह्याद्री एक लीडिंग प्लेयर है इंडिया से, आज हम लोग सबसे ज़्यादा ग्रेप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टोटल एक्सपोर्ट में हमने एक 16% हमारा शेयर बनाया है, तो उसका इम्पैक्ट हर एक फार्मर पे हो रहा है, उसको उसका सही उसका दाम मिल रहा है। और फिर ये कहानी न थमी न धीमी पड़ी। 2004 में 4 कंटेनरों के निर्यात के साथ शुरू हुआ ये सफर एक दशक बाद 2014 में 625 कंटेनरों के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। हालांकि पिछले साल पूरे देश में विपरीत मौसमी परिस्थितियों के कारण अंगूरों के उत्पादन में आई गिरावट का असर सह्याद्री पर भी पड़ा और निर्यात कंटेनरों की संख्या गिरकर 570 पर पहुंच गई। इस बीच 2011 में शिंदे ने सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया और VVS का पूरा कारोबार उसमें स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन इससे कंपनी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा और कारोबार बढ़ता गया। 2011-12 में 23 करोड़ 33 लाख का कारोबार 2012-13 में करीब 54 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और पिछले साल 8500 टन के निर्यात के साथ कंपनी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया। जाहिर है कि किसानों की कंपनी के बढ़ते कारोबार का सीधा असर किसानों के माली हालत पर भी पड़ा। इसमें जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसमें इंडिविजुअल फार्मर्स कुछ शेयर होल्डर हैं, प्रोड्यूसर कंपनी कंसेप्ट में ही ये प्रोविजन है कि जो भी मुनाफा हो रहा है वो मुनाफा वापस वो फार्मर को एज अ पैट्रोनेज बोनस उसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी है, प्रोड्यूसर कंपनी में प्रॉफिट कोई किसी इंडिविजुअल का होता नहीं है, जो भी है वो प्रोड्यूसर में वापस उसको शेयरिंग है। पैट्रोनेज बोनस कंसेप्ट में जो फार्मर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो उसने जिसका प्रोड्यूस सप्लाई किया है वो प्रोड्यूस के उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको फिर मुनाफा शेयर होगा, ये कंसेप्ट में ही है, मतलब लीगली वो प्रोविजन ही है। देश के कुल अंगूर निर्यात में 16% हिस्सेदारी हासिल करने वाली SFPCL ने ये मुकाम हासिल करने के लिए लगातार अपने किसानों के प्रशिक्षण पर खास ध्यान दिया है। इसके लिए हर सीजन में 2 बार किसानों की बैठकें बुलाई जाती हैं, जिसमें विदेशों से विशेषज्ञ भी बुलाए जाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, हम एक्चुअली बेसिकली हम ग्रेप में काम करते हैं और पोमोग्रेनेट इधर अदर वेजिटेबल्स में एक 20 से 25 वेजिटेबल में काम कर रहे हैं हम। जो सीज़न स्टार्ट होता है अभी ग्रेप का जो है अप्रैल प्रूनिंग स्टार्ट होता है, अप्रैल में सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो हम कम से कम साल में 2 ट्रेनिंग लेते हैं। 2 ट्रेनिंग जो है वहाँ उसके लिए हम बाहर से कुछ साइंटिस्ट हैं उनको बुलाते हैं कि बाहर क्या टेक्नोलॉजी है क्या नहीं है, वो हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए कैसा अफोर्ड हो सकता है और वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके उसका यील्ड कैसे बढ़ा सकता है, इस टाइप का हम ट्रेनिंग लेते हैं। लोकलमध्ये बाहेरच्या देशातले जे साइंटिस्ट आहे ते बोलावले जातात आणि बाहेरच्या देशात कशा प्रॅक्टिस केल्या जातात त्यानुसार मग आम्हाला मार्गदर्शन पूर्ण 30 दिवसानंतर, परत 60 दिवसानंतर आणि नंतर 90 दिवसानंतर कशा प्रकारे द्राक्षामध्ये काम केलं पाहिजे, बाहेरचे जे सायंटिस्ट आहे ऑस्ट्रेलियासारख्या देशात, दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशातले, तर ते त्यांना बोलून त्यांच्याकडनं मार्गदर्शन घेऊन शेतकऱ्यांना तशी मार्गदर्शन केलं जातं, स्प्रे कसे दिले पाहिजे, खताचे डोसेस कसे टाकले पाहिजे, छाटण्यांचे टप्पे कसे घेतले पाहिजे, थिनिंगच्या प्रॅक्टिसेस कशा केल्या पाहिजे,
तो सह्याद्री फार्म्स जो है वो हमें अप्रैल से अप्रैल तक पूरा प्रूनिंग का प्रोग्राम देते, उसके बाद फर्टिलाइजर्स देते और 12 ही महीने हमसे टच में रहते। एंड मंथली मीटिंग होता है, बाद में फील्ड पे भी विजिट होती है जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है उनकी। और दूसरी बात, जो बाकी के एक्सपर्ट एक्सपोर्टर्स है ग्रेप्स के, वो जो लॉसेस है वो डिवाइड करके सारे किसानों में देते हैं। लेकिन इधर जो कमिटमेंट हुआ है जो रेट का, उसी रेट में हमें और उसी टाइम पे पैसे मिल जाते हैं। ऐसे नहीं कि टाइम किलिंग भी नहीं होता, जो 10 दिन के बाद हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट पे डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। खेतों में प्रशिक्षण के अलावा कंपनी के सदस्य किसानों को रियल टाइम बेसिस पर व्हाट्सएप के जरिए सलाह भी देते हैं, जैसे कि ऊपर बताई गई दवाओं में से एक ऐसी दवा चुने जिसका स्प्रे कम हुआ हो या कि बारिश खत्म होने के बाद ट्राइकोडर्मा और बैसिलस तथा सुडोमोनस और एम्लोमिसिस का स्प्रे करें, या फिर बारिश के बाद पौधों को झाड़कर फिर दवा का छिड़काव करें। ऐसे सुझावों के अलावा कंपनी के विशेषज्ञ अपने प्रशिक्षण से उपज बढ़ाने में भी किसानों की मदद करते हैं। इन सभी प्रयासों से किसानों की आमदनी बढ़ी है और उन्हें सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि बाजार के लिए उन्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहती। हम करीबन सीजन के पहले 100 फार्मर्स का ओपिनियन लेते हैं, उनका रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की और इश्यू क्या आ रहे हैं उसका स्टडी करते हैं, देन हम वो प्रैक्टिसेस सब मिला के फाइनल करके वो हम पूरा शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करते हैं। शुरू में कंपनी भी नहीं थी, कंपनी का कारोबार भी कम था। जैसे जैसे कंपनी का कारोबार बढ़ता गया, वैसे वैसे इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी का उधर ये क्रेडिट ज़्यादा हो गया, इसीलिए उसका फ़ायदा हमको भी पहुंचा। बीच में कंपनी को लॉस भी आया, फिर भी कंपनी ने उसको फार्मर पे वो उसमें कुछ आने नहीं दी। अंगूर किसानों की सफलता को देखकर अब दूसरे फलों सब्जियों के किसान भी SFPCL से जुड़ने लगे हैं और उन्हें इसका लाभ भी होने लगा है। दर वर्षी टमाटेची शेती करत होतो, तर आता सह्याद्री फार्म से जोडल्यानंतर माझ्या उत्पादनात इतका फरक पडला का मी मागच्या वर्षी 20 टन जे उत्पन्न घेत होतो, तर ह्या वर्षी मी ते 30 ते 32 टनापर्यंत गेलेलो आहे। आणि मला मागच्या वर्षी जे 2.5-2 लाख रुपये झाले होते, तर मी सह्याद्रीशी जोडल्यानंतर मला कमीत कमी 3 ते 3.5 लाखाचं मला उत्पन्न झालेलं आहे। सह्याद्री FPC अपने हर किसान की पूरी फसल खरीदने की गारंटी देती है और इसके साथ ही वो उन्हें न्यूनतम मूल्य का वादा भी करती है जो कि बाजार मूल्य के हिसाब से तय होता है। दूसरे कई विदेशी ब्रांड के लिए माल की पैकिंग के अलावा कंपनी अपना ब्रांड भी निकालती है और सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने के लिए इसने तकनीक का जो अद्भुत इस्तेमाल किया है वो न केवल दूसरी कंपनियों के लिए बल्कि स्वयं सरकार के लिए भी एक नज़ीर हो सकता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हम यूरोप मार्केट में मेजर हमारा माल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोप मार्केट की रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी की है, जो फ्रूट वो लोग ले रहे हैं तो वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है और किस तरीके से उनके पास पहुँचा है, इसकी पूरी जानकारी उनको हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। सह्याद्री फार्म्स के ये अंगूर आपको ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या देश के किसी भी हिस्से में मिल सकते हैं, लेकिन जहाँ भी ये आपको मिले, आप इनमें जो फार्म रजिस्टर्ड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा हुआ है, उससे आप इससे एग्जैक्टली ये पता चल सकता है कि इस कार्टन में जो अंगूर है वो किस खेत से आया है। और ये चमत्कार होता है यहाँ उस सिस्टम से जिसे जियो ऑडिट कहते हैं, जिसमें कि सैटेलाइट के जरिए हर फार्म की ऑडिट की जाती है। और इस रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हर यहाँ जो रजिस्टर्ड फार्मर है उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर से किस किसान के किस खेत से ये अंगूर आया है और उस पूरे खेत का इतिहास क्या है, उसमें कब कब दवाओं का छिड़काव किया गया है, जैसी तमाम जानकारियाँ केवल इस कार्टन के इस नंबर से मिल सकती है। ये पूरे देश के किसान उत्पादक संगठनों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। पिछले साल इसने देश की सबसे बड़ी अंगूर निर्यातक कंपनी होने का खिताब हासिल किया और पूरी तरह से पेशेवर अंदाज में चलाई जा रही ये कंपनी अब आने वाले दिनों में एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बनाने की योजना बना रही है। महज 10 किसानों के साथ शुरू हुआ अंगूर निर्यात का ये सफर पिछले एक दशक में कई अहम पड़ाव पार कर चुका है और अब फूड प्रोसेसिंग और अपने खुद के ब्रांड की मार्केटिंग के जरिए इस कहानी में नए आयाम जोड़ने जा रहा है। अब देखना केवल ये है
कि डेयरी के क्षेत्र में कोऑपरेटिव मॉडल से दुनिया के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ने वाला भारतीय प्रयोग क्या फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी सफल होगा? मंडी.com के लिए नासिक के दिंडोरी से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।